भोजपुरी हिंदी भाषा की एक बड़ी बोली है। व्याकरण के अभाव में इस बोली को अभी तक संवैधानिक भाषा का अधिकार नहीं मिला है। आंकड़ों को देखें तो यह देश के 25 से 20 करोड़ लोगों के बीच बोली जाती है। सामान्यतः भोजपुरी को अन्य भाषा के जानने वाले एक अश्लील भाषा के रूप में जानते हैं। इस पूर्वाग्रह के पीछे कारण भी है। मनोज तिवारी से लेकर खेसारी लाल यादव तक इन सभी ने इस भाषा का बाजारीकरण करने के चक्कर में इसका दोहन किया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब इस इंडस्ट्री में अवधेश मिश्रा जैसे लोग बड़े बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अवधेश मिश्रा निर्मित जुगनू फिल्म को सिनेमा पसंद करने वाले लोगों द्वारा बहुत प्यार मिल रहा है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं अभिनव आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे भोजपुरी की नई जुगनू नामक एक फिल्म आने वाली है, जो इस बोली को फुहड़ता से दूर एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। अवधेश मिश्रा, देवी सिंह और मनोज टाइगर की आने वाली नई फिल्म जुगनू का ट्रेलर YouTube पर रिलीज कर दिया गया है। जुगनू फिल्म का ट्रेलर दिल को छू देने वाला है और उसे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ट्रेलर से ऐसा लगता है कि इस फिल्म की कहानी किसी पुराने बदले को लेकर केंद्रित है। बदले की भावना से अवधेश मिश्रा का किरदार एक दबंग मंत्री की बेटी को किडनैप कर लेता है। किडनैप किए हुए लड़की की पहचान सुरक्षित रखने के लिए अपहरण करने वाले उसे शहर से दूर किसी पहाड़ी इलाके में ले जाते हैं। वहां जाने के बाद अपहरणकर्ता इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह मानने लगता है। यह स्टॉकहोम सिंड्रोम से प्रेरित फिल्म कही जा सकती है, जिसमें बुरे नायक को लड़की से प्यार हो जाता है और उसे बेटी की तरह मानने लगता है। दर्शकों ने इस फिल्म के ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और इसे भोजपुरी सिनेमा में बड़े बदलाव की तरह देख रहे हैं। प्रभात खबर की माने तो फिल्म में एक्टिंग के साथ ही अवधेश मिश्रा ने स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे हैं। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया है। अवधेश मिश्रा का कहना है कि जुगनू फिल्म एक कलाकार के मन से निकली है। यह मेनस्ट्रीम फिल्म होने के बावजूद मसाला और घिसे पीटे फॉर्मूले पर नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी सिनेमा और संगीत में हमेशा से ही होठ, लहंगा और ढोड़ी जैसे शब्दों का बोलबाला था। भिखारी ठाकुर जैसे भोजपुरी भाषा के कवि, नाटककार, गीतकार, अभिनेता, लोक नर्तक, लोक गायक और सामाजिक कार्यकर्ता ने इस भाषा की मजबूत नींव रखी थी। व्यापक रूप से उन्हें भोजपुरी भाषा का सबसे बड़ा लेखक और पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय लोक लेखक के रूप में माना जाता है। उन्हें अक्सर भोजपुरी का शेक्सपियर और राय बहादुर कहा जाता है। उनकी रचनाओं में एक दर्जन से अधिक नाटक, एकालाप, कविताएं और भजन शामिल हैं, जो लगभग 3 दर्जन पुस्तकों के रूप में छपे हुए हैं। उनकी उल्लेखनीय रचनाएं विदेशिया, गबर घिचोर, बेटी बेचवा और भाई विरोध है। उन्हें विदेशिया लोक रंगमंच परंपरा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। धुरान जैसे बिरहा गायकों ने आज़ादी के बाद से लोगों को झुमाया है। भरत शर्मा व्यास, विष्णु ओझा और गोपाल राय जैसे लोकप्रिय दिग्गजों के गाने टी सीरीज के एल्बम पर लॉन्च होते थे। उस स्वर्णिम दौर में बिरहा, दुगोला, सरहद जैसे लोक गानों का जलवा हुआ करता था। पतन का दौर 2000 के बाद से आरंभ हुआ। भोजपुरी भाषा से पहचान बनाने के चक्कर में, ऊपर वाली के चक्कर में लइका खूब पिटाइल बा से लेकर हाथ में लेके पेप्सी कोला घट घट ढरकतिया जैसे गानों का निर्माण करने वाले मनोज तिवारी ने आरंभ किया। एक तरफ इन गानों ने बड़ी आबादी तक भोजपुरी भाषा को पहुंचाने का काम किया तो दूसरी ओर बाद के गायकों ने भी ऐसे ही गानों का निर्माण आरंभ कर दिया। बाद में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव जो निरहुआ के नाम से जाने जाते हैं, खेसारी यादव, रितेश पांडे आदि ने जाति महिमा मंडन और महिलाओं को केंद्रित कर गाने बनाए, जिसे पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया। यह पतन का दौर अब भी जारी है, जिसमें हम सभी एक मुख्य दर्शक की तरह अश्लीलता का सेवन कर रहे हैं। अवधेश मिश्रा तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि वह मुख्य धारा की बाजारू और अश्लीलता भरी सिनेमा से हटकर ऐसी सिनेमा बना रहे हैं जो मुद्दे पर आधारित है। यह फिल्म भोजपुरी बोलने वाली युवा पीढ़ी को भी बढ़िया सामग्री देगी, जिससे भाषाई रिश्ते और स्वाभिमान में मजबूती आएगी। उम्मीद करते हैं कि यहीं से सही भोजपुरी भाषा का नया दौर आरंभ हो सकता है।